अच्छे नज़र से नहीं देखती है सर। जमात में इज्जत मिलता है आपको? वो कहीं कहीं मिलता है, बाकी तो समझिए कि मुश्किल से 40% मिलता है। आदमी लोग आएंगे बड़े लोग तो उल्टा सीधा बोलने लगते हैं, ये गाड़ी लगाओ, ये गाड़ी इधर आओ। सिक्योरिटी गार्ड बनने के लिए पढ़ाई चाहिए या फिर बिना पढ़ाई? नहीं नहीं, पढ़ाई भी चाहिए ना। हम कहाँ तक पढ़ाई किया? इंटर किए होंगे सर। कुछ नहीं अपने ज़िंदगी से आप? ना सर। आप अपने ज़िंदगी में जब छोटे थे तो क्या बनना चाहते थे? बहुत सपना, सपना टूट गया सर। सिक्योरिटी गार्ड्स के ऊपर कितने सारे वीडियोस हैं यूट्यूब पे, अगर आप सर्च करोगे तो आपको पता चल जाएगा। और इससे ये भी आपको पता चलेगा कि हमारे लोग और हमारे समाज सिक्योरिटी गार्ड्स को किस नज़रिए से देखते हैं और कितना उनको वैल्यू देते हैं। आज के इस वाले डॉक्यूमेंट्री में आपको देखने को मिलेगा कि सिक्योरिटी गार्ड्स जो शब्द है, वो जो शब्द है जब इंसान के ऊपर लगता है तो वो इंसान की कितनी जिम्मेदारी बढ़ जाती है, समाज में उनका कोऑपरेशन कितना ज़्यादा बढ़ जाता है। और जिस जगह पर मैं खड़ा हूँ वहाँ पर गाड़ियाँ भी बहुत सारी पार्क्ड हैं, इसको सिस्टमैटिक सुचारू रूप से पार्क कराने के लिए सिक्योरिटी गार्ड की कितनी जिम्मेदारी है, वो सारा कुछ आपको इसी वाली वीडियो में पता चलेगा। बाय द वे, वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन, एंड आई होप यू डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। सिक्योरिटी गार्ड शब्द से मैं आपको थोड़ा सा और रूबरू कराता हूँ। सिक्योरिटी गार्ड वो लोग होते हैं जो आपके अपार्टमेंट के नीचे खड़े रहते हैं, जिस रेस्टोरेंट में आप जाते हो खाना खाने उसके बाहर खड़े रहते हैं। पार्किंग के सामने आपको खड़े सिक्योरिटी गार्ड्स मिल जाएंगे, या फिर आपको पर्सनल सिक्योरिटी चाहिए तब आपको सिक्योरिटी गार्ड्स प्रोवाइड किए जाते हैं। लेकिन सिक्योरिटी गार्ड्स की जो फीलिंग्स होती है ना, लोग उसको थोड़ा सा बॉयकॉट करते हुए चलते हैं। और माइट भी क्या उनके साथ बीतती है वो मैं तो नहीं बता पाऊंगा, लेकिन जब मैं एक सिक्योरिटी गार्ड से बात करूंगा तो वो आपको ज़रूर बताएंगे। आई होप कि ये पूरा वीडियो आप देखेंगे और आपको काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इस वाले वीडियो से देखने को मिलेगा। तो एज अ सिक्योरिटी गार्ड हमने सबसे पहले विक्रम जी से बात करने की कोशिश करी और बाय द लक विक्रम जी अग्री भी हो गए कि हाँ मैं बात करूंगा और अपनी कठिनाइयों को आपके सामने रखूंगा। तो विक्रम जी मुझे ये बताइए, आप कितने साल से सिक्योरिटी गार्ड की काम कर रहे हैं? यहाँ तो सर 2 साल से कर रहे हैं। 2 साल से काम कर रहे हैं जी। और विक्रम जी आपको क्या क्या कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है? बहुत सारा है, जैसे कि यहाँ पे आदमी लोग आएंगे बड़े लोग तो उल्टा सीधा बोलने लगते हैं, ये गाड़ी लगाओ, ये गाड़ी इधर आओ। बहुत तरह की बात है, जैसे कि कोई गाड़ी जाम में लगी है, किसी घर बोल देगी सर पार्किंग खाली नहीं है, अवेलेबल नहीं है, तो बोलेंगे नहीं नहीं हमको लगाना है, हमको यहाँ जाना है तो जाना है। उस वक्त आप उनको कैसे मना सकते सर? बोलते सर माफ़ी चाहते हैं, हमसे नौकरी की बात है, नौकरी कर रहे हैं, हम भी बीवी बाल बच्चे के लिए नौकरी कर रहे हैं, अगर लाप लगा दीजिएगा तो मालिक हमको हटा देंगे, ये सब बोलते हैं सर, रिक्वेस्ट करते हैं। तो कोशिश कर, कितना तो होते हैं कि हटा देते हैं, कितने होते हैं कि जिद पे हैंड ब्रेक लगा के चले जाते हैं। रिक्वेस्ट मानते हैं आपका वो लोग? कितने लोग मानते हैं, कितने लोग नहीं मानते हैं। अच्छा, और गाली गलौज का भी इस्तेमाल करते हैं? कर देते हैं। और ये हर एक दिन की बात है या फिर कभी कभी की बात? पर डे झेलना पड़ता है। पर डे? और इतना झेलने की शक्ति लाते कहाँ से? क्या करेगा सर, बीवी बाल बच्चे माँ बाप सबको देखना पड़ता है, नहीं देखेंगे नहीं कमाएंगे तो कौन माँ बाप किसके कम खिलाएगा। अच्छा, आपके घर में टोटल कितने लोग हैं? मेरे घर में है मम्मी पापा मेरी पत्नी हम मेरा भाई छोटा। सारी जिम्मेदारी आपके कंधों पे? हाँ, मेरे कंधे पे, फिलहाल पापा भी करते हैं, मर जाएगा भी मेरे कंधे पे। और ये जो वर्दी आपने पहना है, ये वर्दी आपको कितनी जिम्मेदारी दे रही है? ये वर्दी तो सर पूरी जिम्मेदारी दे चुकी है, पूरा गाड़ी को देखना, पब्लिक को देखना, लफुआगिरी को देखना, मैंने हर चीज़ को देखते हुए दे दी है। मुझे ये बताइए विक्रम जी कि सिक्योरिटी गार्ड बनने के लिए पढ़ाई चाहिए या फिर बिना पढ़े? नहीं नहीं, पढ़ाई भी चाहिए ना। हम कहाँ तक पढ़ाई किया? इंटर किए हुए हैं सर। और विक्रम जी मतलब कम से कम कौन सी डिग्री चाहिए? कम से कम मैट्रिक चाहिए सर। मैट्रिक चाहिए? एग्जाम होता है आप लोग का? टेस्टिंग लिया जाता है, ट्रेनिंग लिया जाता है, सब चीज लिया जाता है। और ट्रेनिंग कितने दिनों की है? ट्रेनिंग 15 दिन की हम लोग के कंपनी में ले जाता है, अगला कंपनी के लिए बता सकते हैं। कितना कमा लेते हैं एक दिन का? एक दिन का महीने का हमारा 10,000 मिलता है। अच्छा, महीने का 10,000 मिलता है? आप मतलब पर डे के हिसाब से नहीं कमाते? नहीं महीने का 10,000 8 घंटे का मिलता है। और 10,000 से आपका घर चल जाता है? चल पाता है सर, महंगाई के जमाने में कहाँ चल पाएगा। सब्जी लेने जाइए तो 50 रुपये किलो है, कहाँ से ले पाइए। आपने बताया कि आपकी शादी हो गई, तो बच्चे भी हैं आपके? अभी फिलहाल नहीं है। अच्छा, बच्चे नहीं हैं अभी। अगर बच्चे आपके होते हैं तो बच्चों की पढ़ाई पर कितना जोर देना चाहेंगे आप? हम अपने से ज़्यादा, जितना हमसे बनेगा उससे ज़्यादा देंगे। मेरे साथ एक और सिक्योरिटी गार्ड हैं अभी, इसको आप यहाँ लगा, तो मैं इनसे भी पूछूंगा कि एज अ सिक्योरिटी गार्ड आपकी जिम्मेदारियाँ क्या क्या हैं? सामने दिखाई दे रहा है, बोलने की जरूरत नहीं है। मतलब सारे पार्किंग का चार्जेस सारे कुछ आपके ऊपर, आपके कंधों के ऊपर है।
और जब बरसात होती है या फिर बहुत तेज गर्मी पड़ रही होती है या फिर अभी ठंडे का मौसम आने वाला है, तो उस वक्त उस समय पे आप लोग के लिए कोई स्पेशल फैसिलिटी मिलती है आपके कंपनी की तरफ से? जैकेट मिलता है। जैकेट मिलता है। और खाने पीने का क्या व्यवस्था रहता है आप लोग के दिन का? खाना पीना अपना खाते पीते हैं। अच्छा, अपने घर से लेके आते हैं और अपना ही खाते पीते हैं। अपनी ज़िंदगी को अगर आप 1 से 10 के बीच में स्केल करना चाहें, मतलब 1 से 10 के बीच में नंबर देना चाहें, तो आप अपने ज़िंदगी को और अपने नौकरी को कितना नंबर देना चाहेंगे? खुश नहीं अपने ज़िंदगी से आप? ना सर। आप अपने ज़िंदगी में जब छोटे थे तो क्या बनना चाहते थे? बहुत सपना था, सपना टूट गया सर। सपना क्या देखे थे, सबसे बड़ा सपना क्या था आपकी ज़िंदगी का? फौज में जाने का सपना था। फौज में जाने का सपना था। देश का सेवा करेंगे। देश का सेवा करना चाहते थे लेकिन नहीं कामयाब हुए सर, बहुत प्रयास किए नहीं हुए। और आज लेकिन आप वर्दी पहने हैं तो लोगों की तो सेवा कर पा रहे हैं, तो आप इसको कितना अपने फौज बनने के सपने से जोड़ के देखते हैं? दिल टूट गया सर। फौज में जाने के लिए कितना कोशिश किए थे आप? कम से कम 4 साल सर। 4 साल। क्या उसमें आप में कमी रह गई थी या फिर सरकार की कोई कमी थी जिसकी वजह से आपका एग्ज़ाम नहीं निकला? उस समय एग्ज़ाम नहीं था सर। अच्छा, एग्ज़ाम नहीं था। अच्छा, पैसे का सारा खेल था, खेल था। आपकी उम्र क्या होगी? मेरा उम्र 46 46 साल की जो ज़िंदगी है आपकी, 46 साल की जो ज़िंदगी है, उसमें आपने क्या क्या सीखा? बहुत कुछ सीखा नहीं सर। सबसे अच्छी चीज़ जिसको आप आज भी अपने ज़िंदगी में यूज़ में लेते हैं? कमा खा रहे हैं बस, अभी से और कुछ ना चाहेंगे। कमा खा रहे हैं और बस अपनी ज़िंदगी काट रहे हैं। सो दिस वीडियो रिलेट्स टू द लाइफ ऑफ सिक्योरिटी ऑफिसर्स और सिक्योरिटी गार्ड्स जो आपको प्रोटेक्ट करते हैं, आपके सामानों को प्रोटेक्ट करते हैं या फिर आपके गाड़ियों को प्रोटेक्ट करते हैं। आई होप इस वाले वीडियो से ना आपके पास काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन गई होगी, उनको देखने का नज़रिया भी बदला होगा, क्योंकि उनकी भी लाइफ है, उनकी भी फैमिलीज़ है, उनके ऊपर भी काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है जिनको उनको प्ले करना पड़ता है अपने लाइफ में। सो आई होप ये जो वीडियो था वो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, और इसी के साथ मैं इस वाले वीडियो को करता हूँ यहीं पर एंड। तो चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, अपना प्रेशियस कमेंट देना ना बोले, वन मोर थिंग शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें। कीप अपडेटिंग योरसेल्फ, टेक केयर ऑफ योर्स इन द नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन बाय बाय।